दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस और इसमें एक अच्छे क्वेश्चन को, एक बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, क्वेश्चन को एक बार मैं रीड आउट कर देता हूं। क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाइयां होती थी। ध्यान समझिए दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन को एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वस्तु, वस्तु मतलब देखो ये क्या है, आधार बक्स है, ये क्या है, वस्तु है। मेरे हाथ में क्या है, मार्कर। मार्कर क्या है, वस्तु है। मैं जिस पर ये लिख रहा हूँ ये भी क्या है, वस्तु। क्लियर, दुनिया की हर एक चीज क्या है, वस्तु। विनिमय, विनिमय मतलब होता है अदला बदली। विनिमय मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये क्या है मेरे हाथ में, वस्तु, आधार बक्स, ज्योमेट्री बॉक्स है, और ये मेरे हाथ में क्या है, मार्कर। तो अदला बदली, विनिमय, विनिमय मतलब अदला बदली। जैसे मान लो कि मेरे हाथ में ये साबुन है, क्या है साबुन, ये क्या है डस्ट है, तो इसको हम विनिमय कर क्या करेंगे, विनिमय क्या बनेगा, एक्सचेंज, अदला बदली। देखो यहाँ पे लिखा है विनिमय, विनिमय मतलब होता है अदला बदली, अदला बदली। कोशिश कर, ये है क्या, ये वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसको आपको बताना है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे कि इसमें क्या कठिनाइयां, प्रॉब्लम्स होती थी, क्या इसकी कठिनाइयां थी, इसको भी आपको लिखना है, ठीक। कुछ समझ गए, अब मैं दोस्तों इसका आंसर आपको प्रॉपर समझा दूंगा, ठीक है। देखिए बच्चों, आज से हजारों वर्ष पहले मुद्रा की खोज नहीं, मुद्रा जानते हो ना, देखो जैसे ये मेरे पास है मुद्रा, ये क्या है, मुद्रा, मुद्रा है, मुद्रा है, इस देखो और एक मुद्रा है मुद्रा, तो मुद्रा की पहले खोज नहीं हुई थी। जैसे आज हम लोग जाते हैं दुकान, बोलते हैं कि भाई साहब 2 किलो के दीजिए, आलू दीजिए, प्याज दीजिए, या जो खरीदना होता खरीद लेते थे, ठीक, खरीद लेते हैं दुकान से। लेकिन पहले जमाने में मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, पहले मुद्रा नहीं था, ठीक। तो उस समय भी लोग ये सब चीज अदला बदली करते थे, खाने पीने का चीज करते थे। अब समझिए, जब मुद्रा खोज नहीं होता था तो प्रश्न उठता है कि उनका गुजर बसर कैसे चलता था। भाई हमारे पास मुद्रा है तो हम पेन खरीद सकते हैं, कॉपी खरीद सकते हैं, हाँ, कपड़ा खरीद सकते हैं, ये चश्मा खरीद सकते हैं, मतलब बता एग्जाम्पल जो मन हो। लेकिन पुराने जमाने में जब मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, ये जो मुद्रा करेंसी है इसकी खोज नहीं हुई थी, तब ये कैसे चलता था, बता जरा, तब ये चलता था, कोई भी वस्तु अदला बदली करके, यस, अदला बदली करके। जैसे समझो, अब समझो, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय। अब देखिए, मान लो सपोज डेट ये मेरे हाथ में क्या है, लालटेन, एक पेन लालटेन है, ठीक है, ध्यान समझिए, ये क्या है, लालटेन है। और ये मान लो ये मेरे हाथ में क्या है, रोटी है, ठीक। मान लो किसी को भूख लगा, क्या लगा है, भूख लगा है ना, तो क्या खाएगा, रोटी खाएगा या कुछ भी खाएगा। तो किसी को रोटी चाहिए, किसी को क्या चाहिए, लालटेन। मान लो दो आदमी, कितने आदमी है, ये मेरा हाथ एक आदमी है, ये मेरा हाथ दूसरा आदमी है, इसको चाहिए प्रकाश, रोशनी, क्या चाहिए, रोशनी। तो ये रोशनी इसको दे देगा, इसको चाहिए क्या, रोटी, तो रोटी ले लेगा, समझे, आया एग्जाम्पल। इसको रोटी चाहिए था, रोटी मिल गया, इसको क्या चाहिए था, लालटेन मिल गया। सपोज डैट, दूसरा समझो, मान लो कि ये मेरे पास क्या है, घड़ी, घड़ी क्या है, साबुन, किसी को चाहिए साबुन, किसी को चाहिए घड़ी, तो मान लो इसको चाहिए क्या, साबुन, इसको चाहिए घड़ी, तो क्या करेगा ये, आपस में क्या करेंगे, अदला बदली। तो ऐसे ही चलता था पहले, ऐसे ही अदला बदली करके जीवन यापन, जीवन चलता था, क्योंकि पहले क्या नहीं था, मुद्रा नहीं था। अच्छा, मुद्रा नहीं थी तो लोग आपस में विनिमय करते थे, क्या करते थे, विनिमय, अदला बदली करते थे। सपोज एक एग्जांपल हम लोग और समझते बच्चे, मान लो किसी के पास ये क्या है, चकला, ये क्या है, तावा है, मान लो ये तावा है, ठीक है, सपोज डेट है ही, चलो फूटा हुआ तावा है ना, देखो ध्यान समझो, तो किसी को चकला चाहिए, किसी क्या चाहिए, तावा, तो भाई तो क्या करेगा, आपस में एक्सचेंज कर लेगा, विनिमय कर लेगा। तो इसे ही कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ आया, समझ आया जी। एक एग्जांपल और समझ, देखो बच्चा, मान लो किसी को इंस्ट्रूमेंट बॉक्स चाहिए, हाँ, किसी को चाहिए मार्कर, क्या करेंगे आपस में, अदला बदली कर लेंगे। या एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, मान लो किसी को, किसी के पास गाय है, क्या है, गाय,
और किसी पास है, मान लो कि बकरी, क्या है बकरी, बकरी है सपोज दैट, तो किसी को बकरी, इसको चाहिए बकरी, इसको क्या चाहिए बकरी, इसको चाहिए तो ये बकरी यहाँ पे आ जाएगा और ये गाय यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक्सचेंज अदला बदली, समझ में, समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, तो समझो, इमेजिन करो, कल्पना करो कि कैसे होता होगा, जस्ट इमेजिन कि पहले जमाने में अगर मुद्रा जो ये हम अभी दिखाए हैं, ये मुद्रा खोज नहीं हुआ था, तो आखिर पहले कैसे दुनियादारी चलती थी, तो दुनियादारी चलती थी कैसे बताओ जरा, वस्तु का अदला बदली, जिसको जो चाहिए वो चीज, मतलब दूसरे के पास है तो वो दूसरे से ले लेगा, दूसरा आदमी फिर पहले से ले लेगा, समझे। अब देखो बच्चा, वस्तु विनियम प्रणाली अगर पेपर में लिखेंगे कैसे लिखना, वस्तु विनियम प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसा सिस्टम था या एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चीजों को आपस में अदला बदली करते थे, एक वस्तु के लिए दूसरा वस्तु देते थे, समझे, क्लियर। इसी लिखना, पहले प्राचीन जमाने में मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। अब देखो बच्चा, पहले जमाने में देखो, मान लो कि जो ही नहीं लालटेन ही, मतलब कुछ भी, मान लो कि तुम्हारे पास चावल है, मेरे पास क्या है गेहूं, और तुम्हें चाहिए गेहूं, मुझे चाहिए चावल, तो हम क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो अदला एक्सचेंज कर लेंगे, विनिमय कर लेंगे, इसे क्या कहते हैं, वस्तु विनियम प्रणाली। चलो किसको इसको समझ में आ गया, पक्का लिख लोगे पेपर में 100%। चलिए अब एक पार्ट मैंने बच्चों आपको समझा दिया, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। अब इसमें प्रश्न आता है, दूसरा पार्ट है, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या समस्याएं होती थी, क्या प्रॉब्लम्स होती थी, उस प्रॉब्लम्स को हमें बताना है। देखो बच्चा, कुछ कुछ दिक्कत भी होता था इसमें, बहुत दिक्कत था, कोई आइडिया क्या दिक्कत होता होगा, बता जरा, खाने पीने का दिक्कत, तो मैं बता, समझो, देखो बच्चा, पहला दिक्कत होता था दोहरे संयोग की आवश्यकता। अब समझो दोहरे संयोग, समझाते, सुनो ध्यान, समझिए आप बच्चों को, मैं समझा रहा हूं अच्छे से, अब इसमें क्या क्या कठिनाई, इधर देखो बोर्ड पर, दोहरे संयोग की आवश्यकता। अब ये कई बच्चों को समझ नहीं आएगा, ये है क्या भाई, ये दोहरा संयोग है क्या, हाँ। अब मैं इसको आसान शब्द में बताता हूं, मान लो मेरे पास क्या है, रोटी, मेरे पास क्या है रोटी, किसी के पास है क्या, दूध। अब मान लो हमें मान लो कि दूध चाहिए, हमें क्या चाहिए, अगला क्या चाहिए, रोटी। तो हम खोजेंगे यार किसको चाहिए रोटी, खोजेंगे, मिल जाए, हे भगवान की तरह, तुमको चाहिए नहीं, हमको नहीं चाहिए। आप किसको खोजेंगे, मतलब परेशान हो जाएंगे, दोहरा संयोग इसे ही कहते हैं, हमें तो चाहिए ही हमें, लेकिन किसी को रोटी चाहिए तब ना हम देंगे, और रोटी नहीं चाहिए तो क्या होगा, हमको दूध नहीं मिलेगा। समझा जी, तो दोहरा संयोग, डबल आदमी होना चाहिए, दो दो आदमी अदला बदली करने के लिए, समझो, एज एग्जाम्पल समझो, मान लो किसी को चाहिए साबुन, हाँ, मेरे पास साबुन है, किसी के पास क्या है लाइट। अब हमको खोजना पड़ेगा किसको साबुन की जरूरत है, किसको साबुन चाहिए, हम पूछेंगे तुमको साबुन चाहिए, तुमको हम भटकते रहेंगे इसके लिए। अब मान लो कि हार थक के भर दिन भटके, समय मिला यार साबुन किसी को नहीं चाहिए मेरा साबुन, हमको जो चाहिए तो हमको नहीं मिलेगा, हम तो साबुन देकर ही दूसरा चलेंगे, हम खोजते रहेंगे भर दिन भटकते रहेंगे कि साबुन चाहिए, और कोई किसी को नहीं मिलेगा, अंत में हाथ थक के बैठेंगे तो बोलेगा, एक आदमी आएगा बोलेगा क्या, हमें साबुन चाहिए, हम खुश हो जाएंगे कि मेरा जो साबुन है बिक गया, क्या हो गया, बिक गया, मतलब आप उसको, अब देखो साबुन तो हमको, मतलब उसको दे देंगे, बट उसके पास वो चीज होगा, मान लो हमको चाहिए सपोज दैट कपड़ा, क्या चाहिए कपड़ा, अब ये भी सोचेंगे कि उसके पास कपड़ा होगा तब ना, नहीं समझे, उसके पास भी कपड़ा होना चाहिए, मान लो मेरे पास क्या है, हमें क्या चाहिए कपड़ा, तो हम ये सोचेंगे किसको साबुन चाहिए, किसके पास कपड़ा है, कितना टफ कार्य, सोचो, सोचते रहेंगे पूरा एकदम,
मतलब कठिन में कम नहीं है। हम मेरे पास क्या है बताओ, किस हमको कैसे ऐसे ही आदमी को खोजना है जिसको साबुन चाहिए, जिसको साबुन चाहिए, उसके पास कपड़ा बहुत हो, कपड़ा बहुत हो या थोड़ा मोटा जो हो, तो कितना टफ कार्य है। इसे ही कहते हैं बच्चा दोहरे संयोग की आवश्यकता, दोहरे संयोग की आवश्यकता। समझे? एक बार फिर समझा देता हूँ, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो बच्चों, दोहरा संयोग, दोहरा संयोग, दो दो आदमी का वो चीज होना चाहिए। मान लो किसी के पास, किसी के पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है ज्योमेट्री, और किसी के पास क्या है डस्टर। अब हमें चाहिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, हमें चाहिए। अब हम खोजते रहेंगे किसके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, किसके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है। बहुत कठिन काम था ये, और उसको खोजेंगे उसको भी क्या चाहिए, मतलब डस्टर, तभी तो हम ले पाएंगे ना। तो मतलब समझे, थोड़ा संयोग, दो दो आदमी को चीज होना चाहिए, तब जाके होगा अगला बदली। दूसरा समझते बच्चा, समझ आया, लिख लोगे इसको। पहला दिक्कत ये हो गया, दूसरा दिक्कत ये होगा बच्चा कि वस्तु विभाजन की समस्या, वस्तु विभाजन की समस्या। अब देखो समझो, वस्तु विभाजन की समस्या, एग्जाम्पल समझो। देखो बच्चे, मान लो कि सपोज दैट मेरे पास दो गाय है, किसके पास है दो गाय, हाँ, उसके पास कितना तीन बैल है, क्या है तीन बैल, ठीक है ना, तीन बैल है, ये तीन बैल नहीं, समझो इसे एग्जांपल, मान लो कि एक आदमी के पास क्या है बताओ, गाय, क्या है गाय, समझो। एक आदमी के पास 10 किलो क्या है गेहूं, 10 किलो क्या है गेहूं। अच्छा बताओ, 10 किलो गेहूं एक गाय में किसका ज्यादा दाम होगा, गाय का दाम होगा, हाँ गाय का दाम होगा। तो मान लो एक आदमी को चाहिए, इसको आदमी दो गो है, एक आदमी के पास गाय है, एक आदमी के पास क्या है गेहूं, इसको चाहिए गाय, इसको चाहिए गाय, इसको चाहिए गेहूं। तो ये आदमी बोलेगा यार 10 किलो गाय में, 10 किलो गेहूं में हम एक गाय दे देंगे, देंगे। तो क्या पहले क्या था, लोग काट छाट करता था, क्या करता था काट छाट। कोई आदमी सोचेगा कि नहीं गर्दन का मुड़ी, गाय का मुड़ी दे देते हैं इसके बदले, होगा क्या नहीं, प्रॉब्लम नहीं था प्रॉब्लम। अब मान लो कितना, मतलब कितना डिफिकल्ट काम था बोले कि इसके 10 किलो गाय के बदले, 10 किलो गेहूं के बदले, 10 किलो गेहूं के बदले कि हम गाय का एक हाथ काट के दे देंगे, होगा ऐसा नहीं। तो पूरा पूरा कितना पड़ेगा, इसके लिए इस आदमी क्या लगेगा, घाटा होगा ना। 10 किलो गेहूं के लिए एक गाय देना पड़ा, विभाजन की प्रक्रिया थी। अगर वहीं पर हम लोग के पास, मान लो सपोज हम लोग आज के जमाने में क्या है, करेंसी है, मुद्रा है, मान लो हम लोग को चाहिए कितना, 2 किलो आटा, कितना चाहिए 2 किलो, हम 2 किलो आटा लेंगे, मान लो 20 रुपया, 20 दुना 40 रुपया, 100 रुपया देंगे उसको, हमको 60 रुपया वापस देगा। पहले जमाने में नहीं था ऐसा नहीं था। अब हमें मान लो 2 किलो क्या लेना है आटा, तो हमें 100 का 100 रुपया देना पड़ेगा, समझे बात, समझाया समझा जी। तो पहले मतलब समस्या, वस्तु विभाजन की समझ गए इसको, क्लियर, ठीक। मान लो सपोज देखो किसी के पास दो मुर्गी, कितना मुर्गी बताओ दो मुर्गी, हाँ, और किसी के पास सपोज डेट क्या है एक एक गाय, क्या है एक गाय, ये किसका ज्यादा दाम होगा, मुर्गी का, गाय का किसका दाम होगा, होगा दाम। तो दो मुर्गी के बदले हमें क्या देना पड़ेगा गाय, तो एक लॉस घाटा लग गया एक आदमी को, एक आदमी को बोलते हैं घाटा हो रहा है, एक आदमी को बोलते हैं क्या हो रहा है। अगर विभाजन की प्रक्रिया होती तुम क्या करते, विभाजन करते, हाँ समझाया। चलिए ये था बहुत, ये मतलब वस्तु विभाजन की क्या समस्या। तीसरा बच्चा, तीसरा समझो, सर्वमान्य मूलक मापक, ध्यान समझो, सर्वमान्य मूलक मूल्य मापक, मूल्य मापक का अभाव, मापक का अभाव, ध्यान देखो समझो थोड़ा इसको, आप समझाते हैं, ध्यान समझे, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। अब देखो सर्वमान्य, सर्वमान्य का मतलब होता है जो सबके लिए लागू हो, जो किसके लागू हो, सबके लिए। सर्वमान्य मूल्य मापक, मूल्य मापक, मूल्य मापक मतलब जो मूल्य है, मतलब उसका मापा हुआ हो, मेजर किया हुआ हो। मान लो
कि मार्क लावा अभी कितना रुपया है? 25 टका। कितना रुपया है? 25 टका। पहले जमाने में इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं था सबके लिए, किसी को मन हुआ तो रुपया चलता ही नहीं था, किसी को मन हुआ तो 1 किलो गेहूं बदला कर लिया, किसी को मन हुआ तो 5 किलो गेहूं बदला कर लिया, समझे बात? कोई फिक्स नहीं था। जैसे मान लो किसी को, जैसे गाय का दाम होता है, अभी होता है ना जो खरीदते गाय, वैसे गाय का दाम होना नहीं चाहिए। किसी के पास मुर्गी है, क्या है? मुर्गी। तो 5 गो मुर्गी के बदले क्या लेता था? गाय। तो कोई 5 गो मुर्गी के लिए कोई 6 गो, कोई 7 गो, कोई 10 गो, कोई 20 गो, अदला बदली कोई फिक्स नहीं था कि 5 गो मुर्गी के बदले क्या मिलेगा? गाय। कोई एक आदमी 5 गो में दे दिया, कोई आदमी क्या में दे दिया? 10 गो में। कम दे दिया 15 में। तो कोई फिक्स था नहीं। इससे ही सर पे मान, मतलब समझो ऐसा, मतलब कोई मान्य, कोई मूल्य फिक्स नहीं था सबके लिए, कोई मूल्य फिक्स नहीं है। मान लो सपोज दैट ये है हमारे पास क्या है, खराब लालटेन, समझो एग्जांपल, खराब नहीं ठीक ही है। देखो तो ये लालटेन है, इसका दाम फिक्स है ना भाई, 100 रुपया 150 फिक्स है ना भाई? हाँ। तो 5 लाख दाम होगा इसका, नहीं ना? पहले जमाने में इसका मूल्य फिक्स नहीं था, सबके लिए मूल्य फिक्स नहीं था, समझे? कोई आदमी इसको 2 किलो प्याज में खरीद लेता था, कोई आदमी इसको 2 किलो आटा में, कोई आदमी 2 किलो टमाटर में, कोई आदमी 2 किलो भिंडी में। तो क्या भिंडी का मूल्य फिक्स है? नहीं। मतलब अभी अपना फिक्स है, पहले फिक्स था नहीं। कहने का मतलब कोई एगो चकला दे देता था, कोई एगो मान लो कि एगो मार्कर लेके ले लेता था, कोई एक साबुन में ले ले, या कोई एक बोलो गमला में ले ले, समझे बात? आया हाँ। तो कोई फिक्स था नहीं। कोई इसी को कहते हैं कि सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, सर्वमान्य मूल मापक का अभाव, ठीक है? और बच्चे कुछ प्रॉब्लम था, देखो भविष्य में भुगतान करने की समस्या, अभाव। देखो भविष्य, ध्यान समझिए, भविष्य में भुगतान का अभाव, का देखो आप इस पॉइंट को समझो, ध्यान समझो, भविष्य समझते हो? जो आएगा ठीक है, जो चल रहा है क्या होता है? वर्तमान। जो बीत गया हो भूतकाल, अब जो आएगा भविष्य। अब देखो मान लो बच्चा आपके पास अभी रुपया नहीं है, ठीक, तो दुकान पे जाओगे, दुकानदार के पास बोलोगे भैया हमारे पास अगले महीना पैसा आएगा, ठीक है, अगले महीने पैसा आएगा तब तक हम आपको दे देंगे, भविष्य में, भविष्य क्या करेंगे, दे देंगे, हमको 5 किलो आलू दे दीजिए, 10 किलो सब्जी दे दीजिए मान लो, 20 किलो गेहूं दे दीजिए, जो भी तुम्हें चीज चाहिए, एगो साबुन दे दीजिए, एगो कपड़ा का साबुन दे दीजिए, फलना चिल्ला ले लेते हो ना, हम पैसा कब देंगे? अगले महीना या अगले सप्ताह या अगले साल देते हैं ना भाई। लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था, हाथों हाथ लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? हाथों हाथ। मान लो किसी के पास क्या है, लालटेन, किसी के पास क्या है, चकला। तो ये नहीं बोलेगा कि, ऐसे नहीं बोलेगा कि तुम हमें लालटेन ले लो, जब हमें वो चीज आएगा तब हम तुम्हें वो चीज दे देंगे, ऐसा होगा नहीं। हाथों हाथ देना पड़ेगा, इसको चकला, इसको चाहिए लालटेन, इसको क्या चाहिए, चकला। तुरंत अदला बदली कर लो, तुरंत अदला बदली करना पड़ेगा। भविष्य में कोई सिस्टम था ही नहीं कि भविष्य में हम ऐसा चीज कर पाएंगे, क्या हो पाएगा? मान लो हमें बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी, रोटी चाहिए 4 गो, सपोज दैट, हाँ, तुम्हें चाहिए कपड़ा, तुम्हारा गंदा है, क्या चाहिए? गंदा। तुम्हें अभी कपड़ा साफ करना है, क्या करना है तुमको? ध्यान समझो, तुम्हें कपड़ा कब साफ करना है? अभी। हमको भूख कब लगा है? अभी। तो हम सोचेंगे यार हमको कोई, हमारे पास साबुन, हमारे पास क्या है, साबुन, और तुम्हारे पास क्या है, रोटी, हाँ, तुम्हारे पास, तुम्हें कपड़ा क्या साफ करना है अभी, हमें क्या करना है, भूख लगा है तो हमको अभी चाहिए ना, तो हम ऐसे बोलेंगे बुच्ची राजनंदिनी ये तुम क्या ले लो, साबुन। तो हमको क्या बोलोगे, साबुन ले लो, रोटी हम आपको बाद में देंगे, हम बोलेंगे रोटी तुमको बाद में देंगे, होगा? हमको तुरंत चाहिए भाई, क्या चाहिए, तुरंत। तुम मतलब कौन, तुम्हारे पास क्या था, साबुन, तो हम, तो हमको क्या दोगे, मेरे पास क्या था, साबुन, तुम्हें कपड़ा भी धोना है तो हम तुरंत देंगे ना, मेरे पास क्या था, रोटी, नहीं तुम्हारे पास रोटी था, सॉरी, तुम्हारे पास रोटी था, हमको भूख लगा था बहुत जोर से, खाएंगे ना, समझे ना, समझने की कोशिश करो, तुरंत चाहिए, तुरंत, समझे? मान लो किसी के पास चावल है, किसी के पास चावल, किसी के पास क्या है, गेहूं, तुरंत अदला बदली करेगा ना भाई, किसी को गेहूं को मतलब
क्या करना है, रोटी बनाना है, किसी को चावल बनाना है, भात बनाना है, तुरंत होगा ना, ऐसे तरह होगा कि अगला साल दे देंगे, चलो अगला दिन में ले लेना, होगा तुरंत। तो कह सकते हैं क्या, इससे कह सकते हैं बच्चा भविष्य में भुगतान का अभाव, भुगतान समझते हो, भविष्य में हम पैसा नहीं दे सकते हैं, इसका प्रॉब्लम था। समझ आया पक्का दोस्तों? यही था क्या वस्तु विनिमय प्रणाली। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज यार लाइक ठोको, वरना वीडियो मत देखो, ठीक है? क्लियर सीधी सी बात, समझ में आया है तो लाइक ठोकिए, वरना वीडियो नहीं देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।